थर्ड फेज के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लोगों को सिमुलेटेड रैंक लिस्ट देता है, जिसके अंदर आपके उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कितनी रैंक बन रही है ये चीज़ बताई जाती है, और उसके बेसिस पे ही आप लोगों को आने वाले टाइम के अंदर कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। तो अभी तक जो भी हम समझ रहे थे कि भाई आपकी परसेंटाइल के बेसिस पे एडमिशन होने वाला है, तो परसेंटाइल ऑफकोर्स आपका मैटर करेगा आपके सिमुलेटेड रैंक लिस्ट में जाने के लिए, लेकिन एडमिशन फाइनली आप लोगों का सिमुलेटेड रैंक लिस्ट के बेसिस पे ही होगा। आप समझते हैं सिमुलेटेड रैंक लिस्ट क्या होती है। अगर आपने बीकॉम ऑनर्स के अंदर अप्लाई करा है और आपकी परसेंटाइल बन रही है, ओवरऑल अगर एक मैं स्कोर के बारे में बात करूं तो 580 बन रहा है, सेम बीकॉम ऑनर्स में किसी स्टूडेंट अप्लाई करा है उसका बन रहा है 590, किसी स्टूडेंट का बन रहा है 600, तो उन स्टूडेंट्स को ऑटो अरेंज कर देता है यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटाइल, और उसमें आप लोगों का कितना रैंक बन रहा है ये आपको बताया जाता है। तो एक एग्जांपल के तौर पर अगर आपका बीकॉम ऑनर्स में बन रहा है 14,000 रैंक, बीए प्रोग्राम में आपको बन रहा है 9,000 रैंक, बीएमएस में आपका बन रहा है 3,000 रैंक, तो इससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि भाई मेरे को बीएमएस में एडमिशन मिलने के ज्यादा चांसेस है क्योंकि मेरा जो है सिमुलेटेड रैंक लिस्ट में ऊपर नाम आ रहा है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अगेन आप लोगों को 27 के बाद 29 तक कॉलेजेस को रीअरेंज करने का मौका देगा, जिस दौरान आप अपने प्रोग्राम्स को दोबारा से ऊपर नीचे कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग योर रैंक इन सिमुलेटेड रैंक लिस्ट। तो फेज 3 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोगों को अपना सिमुलेटेड रैंक लिस्ट देखने के बाद ही अपने कॉलेजेस को रीअरेंज कर लेना है। अभी तक जो भी आप प्रेफरेंस शीट फॉलो कर रहे हो वो सब कूड़ा है आप लोगों के लिए, आपको अपनी प्रेफरेंसेस चेंज करनी पड़ेगी सिमुलेटेड रैंक लिस्ट आने के बाद। तो बने रहिए मेरे साथ, फेज 3 की जैसी अपडेट आती है मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। आज आप लोगों का टाइम ओवर हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।